निर्माण बिल्डिंग में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। दरअसल रीजनल फूड कमिश्नर ने मेरठ के साकेत इलाके में बिना नक्शा पास कराए ही कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण शुरू कर दिया। पोस्टर है कि इसलिए लगा रखे कि अगर ये सब बिकाऊ है मतलब यहाँ पे सब ले लेंगे मकान। तो आप बेच रहे हैं मकान? नहीं नहीं बिल्कुल, हम क्यों बेचेंगे अपना मकान? हाँ तो अभी इनकी प्रॉब्लम बताने क्यों लगा रखा है इन्होंने, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये पोस्टर। जब गली में रहने लायक ही नहीं रहेगी तो हम सब मकान बिकेंगे ही है। तो आने वालों की गाड़ियाँ पूरी गली में खड़ी होंगी, स्कूटर खड़े होंगे, तो बच्चे नहीं, बच्चे क्या, हम लोग का तो जीना वो दूभर हो जाएगा। हमने इनसे कहा कि अपना जो मैप है इसका जो चेंज कर रहे हैं उसका एक मैप हमें दें, तो उसके अभी तक मैप इसका कोई जांच करेंगे। नहीं नहीं मैप पुराना बना हुआ 1963 का है, तो उसके लिए ग्राउंड कवरेज में परिवर्तन कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते कि इसको कॉमर्शियल यूज कर लेंगे। अवैध निर्माण को लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों का भ्रष्टाचार एक बार फिर सामने है, लेकिन अब ये विवाद बन गया है। मेरठ के मनोरंजन पार्क कॉलोनी में ये पोस्टर लगे हैं जिनमें लिखा है कि दुकानों के निर्माण के चलते सभी मकान, जितने भी बासिंदे इस कॉलोनी के रहने वाले हैं, वो सब अपने घर छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं और मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए हैं। कम से कम 100 से 150 मकान ऐसे हैं जहाँ पर ये पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में ये पोस्टर लगाए गए हैं। वजह है ये सामने वाला जो मकान है ये हाल ही में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसमें पहले कॉमर्शियल एक्टिविटीज रहा करती थी और हाल ही में झांसी में तैनात एक अफसर ने ये मकान खरीद लिया, जिसके बाद से जो मोहल्ले के लोग हैं उनकी आपत्ति यह है कि इसमें वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए एक नया कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। गंभीर बात यह है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से इसका कोई नक्शा अप्रूव्ड नहीं है। पूरे मोहल्ले वालों ने आज कमिश्नर के सामने जाकर और इस पूरे मामले की शिकायत की है, जिसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि इसका जो रिवाइव नक्शा होना चाहिए वो अभी तक अप्रूव्ड नहीं है। समझा जा सकता है कि प्राधिकरण दावे बहुत करता हो लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी से काम करने का चलन है वो कितना अभी तक अमल में लाया गया है।